रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 5 अक्टूबर को वीडियो लिंक के माध्यम से नौगढ़ रेलवे स्टेशन का सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन में परिवर्तित नाम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधित करते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नौगढ़ के समीप लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म होने एवं इस क्षेत्र में उनके जीवन घटनाओं से जुड़े होने के कारण जन आकांक्षाओं को देखते हुए नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर रखा गया है। इसके लिए उन्होंने सभी को बधाई दी। यहाँ बौद्ध तीर्थ यात्री काफ़ी संख्या में लुम्बिनी के लिए आते हैं। इस क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। खलीलाबाद से बहराइच वाया डुमरियागंज उतरौला बलरामपुर श्रावस्ती 240 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना के पूरा होने से संत कबीरनगर सिद्धार्थनगर श्रावस्ती बहराइच एवं गोंडा जनपदों के विकास में तेजी आएगी। श्री गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों से 460 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का निर्माण, 531 किलोमीटर दोहरीकरण तथा 489 किलोमीटर आमान परिवर्तन का कार्य पूरा किया गया है। इसी प्रकार 4682 किलोमीटर रेल पथ का विद्युतीकरण भी किया गया है। रेल मंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण यात्री गाड़ियों का संचालन बंद करना पड़ा, परंतु देश में खाद्य एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति के लिए मालगाड़ियों एवं पार्सल गाड़ियों का संचालन निर्बाध रूप से जारी रहा, जिससे लोगों तक आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति हो सके तथा बिजली घरों को कोयला पहुंच सके। प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए श्रमिक विशेष गाड़ियों का संचालन आरंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में कुल 1661 श्रमिक विशेष गाड़ियां आईं, जिनके माध्यम से लगभग 22,40,000 यात्री यहां आए। उत्तर प्रदेश से भी 191 श्रमिक विशेष गाड़ियों के माध्यम से 2,50,000 यात्री विभिन्न राज्यों को भेजे गए। रेल मंत्री ने कहा कि माल लदान में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। सितंबर 2020 में लोडिंग पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 80% अधिक है। इस अवसर पर सांसद श्री जगदम्बिका पाल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को हार्दिक धन्यवाद देते हुए कहा कि जन आकांक्षाओं को देखते हुए नौगढ़ स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर किया गया है। इससे वर्षों से क्षेत्रीय जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। अतिथियों का स्वागत करते हुए मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री ने कहा कि क्षेत्रीय जनता की मांग को देखते हुए जिला मुख्यालय स्टेशन नौगढ़ स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर रखा गया है। ये क्षेत्र ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। इस अवसर पर वेब लिंक के माध्यम से विधायक श्री श्याम धनी, पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक LC त्रिवेदी एवं वरिष्ठ रेल अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन अपर मंडल रेल प्रबंधक परिचालन श्री शिशिर सोमवंशी ने किया। माननीय रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार श्री पीयूष गोयल जी, माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, माननीय विधायक श्री श्याम धनी जी, माननीय जनप्रतिनिधिगण, पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री LC त्रिवेदी जी, मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री जी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यगण, देवियों एवं सज्जनों, पूर्वोत्तर रेलवे के वेब मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, नमन एवं अभिनंदन है। आप सभी को ज्ञात है कि नौगढ़ रेलवे स्टेशन से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। यह क्षेत्र उनके जीवन की अनेक घटनाओं का साक्षी रहा है, जिसके कारण श्री पीयूष गोयल जी एंड CRV, GM, PRM एंड ऑल द ऑफिसर्स अलॉन्ग विद माय पॉपुलर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली श्री श्याम धनी राही जी। कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आप लोग सबको? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। माननीय सांसद महोदय, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है। आइए आइए, स्वागत है। आप सभी को ज्ञात है कि नौगढ़ रेलवे स्टेशन से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। यह क्षेत्र उनके जीवन की अनेक घटनाओं का साक्षी रहा है, जिसके कारण स्थानीय लोगों की मांग थी कि नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा जाए। राष्ट्र की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में आज कुछ ही क्षणों में नौगढ़ रेलवे स्टेशन का सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन में परिवर्तित नाम का लोकार्पण माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री जी से अनुरोध है कि कृपया स्वागत संबोधन दें। नमस्कार, माननीय रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी,
माननीय सांसद लोकसभा श्री जगदम्बिका पाल जी, माननीय सदस्य विधानसभा श्री श्याम धनी जी एवं महाप्रबंधक पूर्व मध्य और पूर्वोत्तर रेलवे श्री ललित चंद्र त्रिवेदी जी, वीडियो लिंक के माध्यम से संबद्ध सम्मानित जन प्रतिनिधिगण, प्रेस एवं मीडिया के सदस्यगण, देवियों एवं सज्जनों, पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की ओर से मैं माननीय रेल मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने आज रेल भवन नई दिल्ली से वीडियो लिंक के द्वारा नौगढ़ स्टेशन का नाम परिवर्तन कर सिद्धार्थ नगर स्टेशन किए जाने के लोकार्पण के अवसर पर अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम से संबद्ध होकर हमें अनुग्रहित किया है। मैं लखनऊ मंडल पूर्वोत्तर रेलवे का नौगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य के तराई क्षेत्र एवं नेपाल सीमा पर स्थित महात्मा बुद्ध, जो कि बाल्य अवस्था में राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, के जन्म स्थान लुम्बिनी के समीप होने के कारण एक ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण स्टेशन रहा है। इस स्टेशन की कैटेगरी के अनुरूप सभी यात्री सुविधाएं उन्नत कर दी गई हैं। यह स्टेशन सिद्धार्थ नगर जनपद के जिला मुख्यालय स्थित स्टेशन होने के कारण एक लंबे समय से जनमानस की अपेक्षा रही थी कि इसका नाम परिवर्तित कर सिद्धार्थ नगर किया जाए। जन आकांक्षाओं के आलोक में नौगढ़ स्टेशन का नाम परिवर्तित कर सिद्धार्थ नगर स्टेशन किया गया है, जिसका लोकार्पण आज माननीय रेल मंत्री जी द्वारा श्री पीयूष गोयल जी द्वारा वीडियो लिंक से किया जा रहा है। यह हमारे लिए अपार हर्ष एवं असीम गर्व का विषय है कि वर्तमान काल की विषम परिस्थितियों में भी हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए हमारे परम आदरणीय रेल मंत्री महोदय ने हम सभी के अनुरोध को स्वीकार कर हमें कृतार्थ किया। एक बार पुनः मैं इस कार्यक्रम में संबद्ध हुए आप सभी विशिष्ट अतिथिगण एवं YouTube वीडियो लिंक से संबद्ध सभी सम्मानित अतिथियों का इस समारोह में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। अब आज के कार्यक्रम के शिल्पकार माननीय सांसद डुमरियागंज श्री जगदम्बिका पाल जी से सादर आग्रह है कि इस गौरवमयी अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। बहुत समय मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी बहुत आकांक्षा थी कि इस कार्यक्रम को आप करें। पिछले दिनों हमारे बीच में नहीं है, एक बार मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, सुरेश अग्नि जी को, उनको आपने कह दिया था, उन्होंने समय भी बना लिया था प्रोग्राम, लेकिन आज ये था कि आपके हाथों से होगा। आज हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है कि हम इस बुद्धिस्ट सर्किट पे आज हम आपके बीच में पा करके, और बहुत लोग जुड़े हैं। मुझे अहमदाबाद से फोन आया कि साहब आज तो स्टेशन का नाम परिवर्तित हो रहा है, तो ये शायद उस तरह की हम रैली करते तो 10,000, 20,000, 25,000 लोग होते, लेकिन मुझे लगता है कि देश के तमाम हिस्सों से, देश के बाहर से भी लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए हैं, जो लोग आपका संबोधन देखेंगे। और लोग जिस तरह से पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लिए आपने रेल में बहुत से काम किए हैं, और खासतौर से इस आकांक्षा जनपद के लिए, पूर्वांचल के लिए, हम आभारी हैं, ऋणी हैं। एक बार हम फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद डुमरियागंज श्री जगदम्बिका पाल जी। अब आधुनिक भारतीय रेल के निर्माता, लोकप्रिय नेता एवं हमारे रेल परिवार के मुखिया माननीय रेल मंत्री भारत सरकार परम आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी से विनम्र निवेदन है कि कृपया अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें, मार्गदर्शित करें। माननीय रेल मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी, आप समय समय पे मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं, मुझे रेलवे में क्या क्या और काम हो, कैसे सुधार हो, क्या ज़रूरतें हैं सामान्य जनता की, गांव की, गरीब की, दूर दराके के इलाकों की, उसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। और जिस प्रकार से आप वास्तव में एक आदर्श सांसद के रूप में समय समय पे, और मैं नहीं समझता हूँ कोई हफ्ता गया होगा पिछले 6 वर्षों में, मैंने जो विभाग संभाला, कभी बिजली विभाग संभाला तो बिजली विभाग के कार्यक्रम, नवीकरणीय विभाग था तो उसके विषय लेके आप आया करते थे, रेल के विषय लेके लगातार हमारा संपर्क रहता है। मैं समझता हूँ सभी सांसदों को
और हमारे अन्य जनप्रतिनिधि जो आपके साथ आज जुड़े हैं, सबके लिए एक सीख है कि कैसे जनता के विषयों के लिए संघर्ष करते रहना और कैसे उसमें आगे बढ़ते रहना। श्री श्याम ध्यानी जी, विधायक कपिल वस्तु, बाकी हमारे जो अन्य महानुभाव नेतागण, जनप्रतिगण, विभाग के अधिकारी, हमारे DRM महोदया, सभी सिद्धार्थनगर के हमारे प्रिय भाई बहनों को मैं आज नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण किसी का आई थिंक म्यूट करने की आवश्यकता है सिस्टम को। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम जहां नौगढ़ रेलवे स्टेशन का सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन में परिवर्तन किया जा रहा है नाम, इस कार्यक्रम पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज सही माने में हम सबके लिए बहुत ही आनंद और उत्सव का दिन है, खास तौर पे जो नौगढ़ के सभी हमारे रहने वाले भाई बहन हैं, जिनकी बहुत लंबे समय से ये मांग रही कि स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर किया जाए। नवगढ़ हम सब जानते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जहां हमारे बौद्ध तीर्थयात्री बड़ी संख्या में दुनिया भर से आते हैं लुम्बिनी जाने के लिए। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो मात्र 35 किलोमीटर दूर है सिद्धार्थनगर से, और देश और दुनिया के सभी हमारे बौद्ध भाई बहनों के लिए एक बहुत ही श्रद्धा का स्थल है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। मुझे आज बहुत आनंद हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये लंबे समय की मांग को हम आज पूरा करने जा रहे हैं। आज से नवगढ़ स्टेशन सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ये तीर्थ स्थान ही नहीं है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने 1997 में घोषित किया था। तो एक प्रकार से भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े होने की वजह से सिद्धार्थनगर का एक अपना अलग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है, और आज उस महत्व को हम इस नामकरण के द्वारा एक परमानेंट रिकग्निशन, एक परमानेंट इसकी पहचान बनाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सब जुड़े हैं। मैं जगदम्बिका पाल जी की बात सुन रहा था, काफी जो काम रेलवे ने किए हैं उसका भी उन्होंने विवरण दिया और काफी नई मांगे रखी, तो मुझे एक प्रकार से एहसास हुआ कि भगवान बुद्ध के दिए हुए मार्गदर्शन का ये पूरी तरीके से पालन करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। जगदम्बिका पाल जी का मैंने हर बार देखा है कि जरूर रिकग्नाइज करते हैं, जरूर इज्जत करते हैं जो जो काम हो चुके हैं उसका, लेकिन साथ में एक लंबी सूची नए कामों की पूरे समय अपने जेब में रखते हैं, आगे की सोचते रहते हैं, आगे की जनता की आशाएं अपेक्षाएं पूरी करने के दृष्टिकोण से लगातार काम करते रहते हैं। और मैं इसको बहुत अच्छी बात मानता हूं, हर जनप्रतिनिधि को अपने अपने क्षेत्र का विकास हो, अपने अपने क्षेत्र में और काम हो, इसकी लगातार चिंता करना आवश्यक है। कोविड की इस महामारी के समय भी उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय रेलवे ने मिलके अलग अलग प्रकार से जनता की सेवा में लगातार कार्य करा, जिसका काफी मात्रा में विवरण तो जगदम्बिका पाल जी ने दिया ही। देश के विभिन्न जिलों से अलग अलग
क्षेत्र से हमारे प्रवासी मजदूर को वापस लाया गया। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश के सभी प्रवासी मजदूरों को हृदय से लगाया, कभी मना नहीं किया कोई ट्रेन को उत्तर प्रदेश लाने से, कभी अड़चन नहीं डाली जो कई राज्यों से हमें तकलीफें आती थी, और देश भर के उत्तर प्रदेश निवासियों को स्वागत किया, उनकी देखरेख की, क्वारंटाइन की जहां जरूरत पड़ी उसका जिम्मेदारी उठाई, उनको पैसे दिए गए रेल भाड़ा के लिए या पुनः अपने स्थान तक जाने के लिए, पूरा किट दिया जाता था आवश्यक वस्तुओं का। और मैं समझता हूं जिस तरीके से महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने इन अपने सभी प्रवासी उत्तर प्रदेश के मजदूरों को स्वागत ही नहीं किया, दिल से ही न लगाया, उनकी देखरेख की और आगे उनके भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं, ये अपने आप में एक मिसाल है जो देश को सीखना चाहिए। देश को इससे बहुत कुछ एक प्रकार से मार्गदर्शन मिलेगा आगे कैसे काम करना। इन दिनों प्रवासी मजदूर जो वापस आए हैं उनको काम मिलने के हेतु से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 67 रेलवे प्रोजेक्ट्स में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रोजगार योजना के तहत हम प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने का भी काम आज भारतीय रेल कर रहा है। 270 जो कोविड केयर आइसोलेशन वार्ड बने थे वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सेवा कर रहे हैं। 6 रेलवे हॉस्पिटल्स को भी कोविड केयर हॉस्पिटल्स के रूप में परिवर्तित किया गया, अपग्रेड किया गया। कुल 1661 श्रमिक स्पेशल ट्रेन उत्तर प्रदेश के लगभग 23 लाख प्रवासी मजदूरों को इन दिनों वापस ले आई अलग अलग राज्यों से, और 191 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से 2.5 लाख यात्रियों को यूपी से अन्य प्रदेशों में भी भेजा गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा कार्य कोविड के दिनों में रेलवे के माध्यम से की गई। इसके अलावा खाद्य पहुंचाना, अनाज पहुंचाना, कोयला कोने कोने तक पहुंचाना, सभी बिजली घरों तक, जिससे बिजली लगातार लोगों को मिलती रहे, पानी में कोई समस्या ना हो, ये सब कामों में भारतीय रेल अग्रसर रही। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में और उनके मार्गदर्शन से भारतीय रेल दिन प्रतिदिन आपकी सेवा में जुटी हुई है और नई ऊंचाइयों तक भारतीय रेल को लेकर जाने के लिए उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग काम चल रहे हैं, जो सुविधाएं बढ़ाने का काम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, वो अपने आप में उत्तर प्रदेश में इतिहास रच रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी कि कहां 2009 से 14 के बीच उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले या उत्तर प्रदेश में किए जाने वाले कामों पे प्रतिवर्ष लगभग 1109 करोड़ रुपए निवेश किया जाता था, वो 2014 से 19 के बीच बढ़कर 10600 करोड़ रुपए से भी अधिक किया गया। कहां 1100 करोड़ रुपए, कहां 10600 करोड़ रुपए, यानी लगभग उसको 9 गुना बढ़ा दिया गया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे कैसे तेज गति लाई जाए, कैसे उस पे भारतीय रेल खरी उतरे। आपको जान के खुशी होगी गत 6 वर्षों में 460 किलोमीटर की नई लाइनें का काम पूरा किया गया, साथ ही साथ 531 किलोमीटर की लाइनें डबलिंग की गई, डबलिंग ट्रिपलिंग की गई, और पिछले 6 वर्षों में रिकॉर्ड 4632 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया। और आप सब जानते हैं कि विद्युतीकरण करने से रेलगाड़ियां भी तेज होती हैं, मालगाड़ियां भी तेज होती हैं,
प्रदूषण कम होता है और पूरा जो रेलवे का सिस्टम है ये एक प्रकार से और एफिशिएंट हो जाता है और अच्छी तरीके से सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। गेज कन्वर्शन के काम में भी एक नया इतिहास रचा गया। लगभग 500 किलोमीटर लाइनों का गेज कन्वर्शन गत 6 वर्षों में किया गया मीटर गेज से ब्रॉड गेज में, जिससे वो मेन रेलवे लाइन के साथ जुड़ गई। पूरे 1404 जितने अनमैन लेवल क्रॉसिंग थे उत्तर प्रदेश में, 100% उसको कन्वर्ट किया गया मैन लेवल क्रॉसिंग या अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज में। 1404 अनमैन लेवल क्रॉसिंग्स को इस छोटे अवधि में एलिमिनेट कर दिया गया, पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया। 141 रेलवे स्टेशंस को आदर्श रेलवे स्टेशंस के रूप में उत्तर प्रदेश में अपग्रेड किया गया, परिवर्तन किया गया, बहुत सुंदर और जनता की सेवा के लिए अच्छा बनाया गया। आपके उत्तर प्रदेश में स्थित रायबरेली में जो कोच फैक्ट्री है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, उसने तो अपने आप में एक नया अध्याय लिखा, स्वर्णीय अध्याय लिखा रेलवे के इतिहास में। वो फैक्ट्री की क्षमता मात्र 1000 रेल कोच बनाने की है। आपको जान के खुशी होगी कि पिछले वर्ष उसने 1930 LHB के कोचेस, यानी उसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, क्षमता है, उससे 2 गुनी पिछले वर्ष प्रोडक्शन की। वो 2000 क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन पिछले वर्ष के आखिरी के 9 दिन 22 मार्च से ही हमने वहां पे काम बंद कर दिया गया। 23 मार्च को जनता कर्फ्यू था, फिर लॉकडाउन शुरू हो गया, तो लगभग जो 9-10 दिन आखिरी के 9 दिन हमने लूज किए, उसमें जो प्रोडक्शन लूज की उसमें ये 2000 क्रॉस कर जाता है। जगदम्बिका पाल जी, आपने कभी भारत के इतिहास में कोई पब्लिक सेक्टर फैक्ट्री में क्षमता से दुगना प्रोडक्शन शायद आपके इतने लंबे राजनीतिक और सरकार में रहने के बाद भी आपने कभी ऐसा कोई पैरेलल नहीं देखा होगा जहां इंस्टॉल कैपेसिटी से डबल प्रोडक्शन एक सरकारी फैक्ट्री कर रहे हैं। रायबरेली कोच फैक्ट्री अब दीनदयालु कोचेस बना रही है, स्मार्ट कोचेस बना रही है, सभी प्रोडक्शन LHB के मॉडर्न अच्छे कोचेस जिसमें सुरक्षित यात्रा करते हैं हमारे सभी पैसेंजर्स, अंत्योदय को रेक्स बना रही है और हम सफर रेक्स बना रही है। इतना बड़ा विस्तार अब रायबरेली कोच फैक्ट्री का हो गया। अब वहां से एक्सपोर्ट के लिए भी शुरू हो गया है कोच प्रोडक्शन, और मुझे पूरा विश्वास है आगे चल के जब यहाँ पे और इकोसिस्टम बढ़ेगा, एंसिलरीज और आएंगी, तो एक पूरे इस इलाके में बहुत बड़े रूप में प्रगति देखने को मिलेगी। जैसा आपने कहा, बहराइच और खलीलाबाद के बीच नई रेल लाइन का प्रोजेक्ट 5000 करोड़ की लागत से लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अप्रूवल दिया है, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। 2 मार्च को मैं आया था इसके शिलान्यास के कार्यक्रम में, ये महामारी के कारण उसमें थोड़ा विलंब हुआ है, पर मुझे विश्वास है आगे चल के इसमें जल्दी जमीन अधिग्रहण का काम हम शुरू करने जाएंगे। यूपी में जो फ्रेट, जो मालगाड़ी से माल जाते हैं, उसमें भी बड़े रूप से वृद्धि हो रही है, और जो मालगाड़ी की एवरेज स्पीड है अब 2 गुनी कर दी गई है, डबल स्पीड पे मालगाड़ी वहां पे सेवा कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आगे चल के जो किसान रेल देवलाली से दानापुर शुरू हुई थी अगस्त के महीने में, जो मानिकपुर, प्रयागराज, चियोकी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होते हुए फल, सब्जी और अलग अलग प्रकार के हमारे किसानों के उत्पादन को लेके जाती है अलग अलग स्थानों पे, वो और बड़े रूप में किसान रेल का लाभ हमारे उत्तर प्रदेश के किसान भी आगे चल के लेंगे। आपको ये भी जान के खुशी होगी कि अगले 3 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश में 100%
इलेक्ट्रिफिकेशन विद्युतीकरण कर देंगे, जिससे प्रदूषण बहुत ही कम होगा और उत्तर प्रदेश की ट्रेनें और तेज गति से चल पाएंगी। गोरखपुर से आनंद नगर और आनंद नगर से सिद्धार्थ नगर का जो रूट है उसका तो विद्युतीकरण अगले वर्ष दिसंबर यानी दिसंबर 2021 तक हम पूरा करने में लगे हुए हैं। आपको यह भी जान के खुशी होगी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, जिसके अंतर्गत आपका विभाग आता है, इसने सितंबर 2020 में लगभग 80% लोडिंग बढ़ाई है मालगाड़ी में लोडिंग पिछले वर्ष के निस्बत। सितंबर लोडिंग हुई थी उसके निस्बत लगभग 80% लोडिंग सितंबर 20 में बढ़ी है और ये सिलसिला हम आगे और बढ़ाते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल के भी उत्तर प्रदेश में रेल की सुविधाएं हमारे व्यापारियों को, हमारी वहां की फैक्ट्रियों को बड़े रूप में हम देने में कामयाब होंगे। जैसा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, विपदाएं आती हैं आए, हम न रुकेंगे, हम न रुकेंगे। आघातों की क्या चिंता है, हम न झुकेंगे, हम न झुकेंगे। ऐसे ही कोविड की महामारी के बावजूद कोरोना काल में भी हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। देश भी आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। आप सब इस कार्य में हमारे साथ जुड़े, इस कार्य में सहयोग दें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। भगवान बुद्ध ने एक और बात कही थी जो एक प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ाने में जिसमें बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं, बहुत प्रेरणा लेते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। और मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत को देश की जनता के जीवन में उतार दिया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, ये सही माने में भगवान बुद्ध का दिखाया हुआ रास्ता है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, आप भी वोकल बने लोकल के, आप भी देश में बने हुए वस्तुओं को प्राथमिकता दें, उसको ज्यादा इस्तेमाल करें और अपने स्वयं की क्षमताओं पर, अपने स्वयं की क्षमताओं पर अपने देश को आगे बढ़ाएं। ये देश दूसरों पर निर्भर नहीं होगा, अपनी क्षमताओं पे ये देश विश्व स्तरीय बनेगा, विश्व की उच्च कोटि पे पहुंचेगा। जो सही भारत का स्थान है एक विश्व गुरु का, वो स्थान स्थान ग्रहण करने में हम सफल होंगे। आप सबका आशीर्वाद भारतीय रेल को लगातार मिलता रहेगा। इस आशा और अपेक्षा के साथ मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूं। आज इस रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर परिवर्तन जो हुआ है, ये आपके लंबे समय की मांग नौगढ़ निवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक छोटी भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। माननीय रेल मंत्री महोदय सर, आपसे एक बार पुनः सादर अनुरोध है कि अपने कर कमलों से ई कर्टन का अनावरण कर नौगढ़ रेलवे स्टेशन का सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन में परिवर्तित नाम का लोकार्पण कर हमें कृतार्थ करें। और यह एक ऐतिहासिक क्षण, एक गौरवमयी पल, एक नई उम्मीद, एक नई उमंग और एक नई पहचान के साथ। धन्यवाद माननीय रेल मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी। अब मैं अपर मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ से अनुरोध करूंगा कि कृपया धन्यवाद ज्ञापित करें। सभा श्री जगदम्बिका पाल जी, माननीय सदस्य विधानसभा श्री ध्यान श्याम धनी जी एवं महाप्रबंधक पूर्व मध्य एवं पूर्व उत्तर रेलवे श्री ललित चंद त्रिवेदी जी, सभी सम्मानित जन प्रतिनिधिगण, प्रिंट एवं मीडिया के सदस्यगण, देवियों एवं सज्जनों,
मैं माननीय रेल मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना व्यस्ततम समय निकालकर नौगढ़ रेलवे स्टेशन का सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन में नाम परिवर्तन का वीडियो लिंक द्वारा आज लोकार्पण किया। मैं माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी गरिमामय उपस्थिति ने आज इस लोकार्पण कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का भी आभारी हूं, जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर आज के कार्यक्रम में वीडियो लिंक द्वारा सम्मिलित हुए एवं लोकार्पण कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। मैं सभी वरिष्ठ रेल अधिकारीगणों के प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही मैं समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उपस्थित बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में मैं क्षेत्रीय जनता, जिसके लिए आज का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, के प्रति भी हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का।